Today again, I'm with a very special person. He's a very senior leader of Nepal and industry minister of Nepal, Shri Anil Kumar Jha. Hello, Mr. Jha. भारत तपाईको स्वागत गर्दछ। धन्यवाद। जो bilateral trade है, इंडो नेपाल bilateral trade, उसके total figure को अगर हम देखेंगे तो जो market share है इंडिया का, जो आप export करते हैं इंडियन market को और जो import करते हैं इंडिया से, उसका जो percentage अगर उसको हम देखें तो लगभग 85% import करते हैं भारत से और सिर्फ 15% एक्सपोर्ट करते हैं भारत को जी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत मेजर एक गैप है, ऐसा क्यों है? इसका मूल कारण तो ये है कि नेपाल जो कुछ बनाता है अपना, उसका मार्केट भारत में नहीं है जी। इसकी दो कारण है कि एक तो नेपाल से क्या चीज़ भारत हम भेज सकते हैं जी, वो चीज़ भारत में नहीं होना चाहिए या भारत में उसका मूल्य ज़्यादा होना चाहिए जी। मार्केट तो कोई चैरिटी तो है नहीं कि हम किसी को दे रहे हैं, चलो ऐसे ले लो या दे दो। तो क्या है कि जहाँ मुनाफा होगा वहाँ लोग भेजेंगे। तो नेपाल में जो कुछ प्रोड्यूस करके हम भारत की ओर भेजते हैं तो भारत में ऑलरेडी वो चीज़ ज़्यादातर चीज़ सस्ती है, और ज़्यादातर चीज़ जो भारत में बना करके हम नेपाल में ले जाते हैं, वहाँ इम्पोर्ट करते हैं, तो वो भारत में सस्ता मिल जाता है लोगों को, नेपाल में बनाने से ज़्यादा। तो जो चीज़ भारत में सस्ती है वो किसी न किसी रूप में, अब 1700 से ज़्यादा, करीब 1800 किलोमीटर बॉर्डर नेपाल भारत का ओपन है। यद्यपि भारत की तरफ से SSB और नेपाल की तरफ से भी हमारा सशस्त्र प्रहरी बल है जी, तो वो डिप्यूटेड है, लेकिन ट्रांजिट आपका जो भी ट्रेड का ट्रांजिट है वो तो इंडिया के थ्रू ही है। हाँ है। और दूसरी बात की, अब चाहे आप बॉर्डर में पुलिस लगा के या सेना लगा के रखें, लेकिन ओपन बॉर्डर है और एक दूसरे का संबंध है, बेटी रोटी का संबंध है, भाषा एक जैसा है, बॉर्डर के इस पार उस पार, चाहे वो उत्तर और पूर्व नेपाल का, उत्तर पूर्व में ताप्लेजुंग जिला है जी, उसके सामने सिक्किम हो जी, या बिहार का सीतामढ़ी और मधुबनी हो जी, या मोतिहारी और बेतिया हो जी, या गोरखपुर और महाराजगंज और हमारा तौलीहवा भैरहवा हो जी, या इधर उत्तराखंड के आपके पिथौरागढ़ और इधर हमारा डडेलधुरा हो जी। तो क्या है कि इसके कल्चर, इसकी भाषा, इसकी संस्कृति, इसके रहन सहन, इसके लोग संबंध है, तो लोग ऐसे भी जाते हैं तो कुछ खरीद करके लाते हैं जी जी। चारों ओर की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि भारत में सस्ता है ज़्यादातर चीज़ जी। तो स्वाभाविक रूप से, और ऐसे भी ट्रेड जो ऑफिशियल ट्रेड है वो भी भारत से ज़्यादा चीज़ हम ले जाते हैं, सिर्फ हम जितना तेल भारत से ले जाते हैं नेपाल, बिल्कुल उतना भी हम सब कुछ मिला करके इम्पोर्ट भारत में नहीं कर पाते। तो इसका कारण वही है कि ये तो व्यवसाय है, ये व्यापार है, ये लगानी है, और जहाँ आदमी को मुनाफा होगा वहाँ ले जा करके बेचेगा, और जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ से खरीद करके ले जाएगा। तो यही मूल कारण है कि ज़्यादातर चीज़ भारत में बन करके नेपाल जाने के कारण से, और नेपाल में अपना उस हिसाब का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होने से, और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद भी वो सस्ता, उसका तो सस्ता मिलना चाहिए जनता को, तो हम नहीं दे सकने के कारण से ज़्यादातर यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट होना या नेपाल में इम्पोर्ट होना भारत से, और भारत में इम्पोर्ट कम होना इसका मूल कारण है। तो इसलिए हमारे लिए सामान्य या अच्छी बात यह है कि यदि हम नेपाल का अपना जो कुछ है उसको हम भारत को बेच सकें तो इस डिफिसिट को, इस व्यापार घाटा को हम बराबर बैलेंस कर सकते हैं जी। अगर मैं 1996-97 का ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड देखूं नेपाल का और भारत का, और फिर 2009-2010 का नेपाल और भारत का बायलैटरल ट्रेड देखूं, तो उसमें 10 गुना इजाफा हुआ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन पिछले 2-3 साल से लगभग जो टोटल ट्रेड है वो लगभग 22,000 करोड़ के आसपास ही है जी। आपने 2009-2010 में भी लगभग उतना ही का ट्रेडिंग हुई थी, उतनी ही बायलैटरल ट्रेड था, 2010-11, 2011-12, तो उसमें अब जो परसेंटेज जो ग्रोथ था वो थोड़ा स्लो हो गया है, इसका क्या कारण है? इसका 2-3 कारण मैं समझता हूँ। एक तो क्या है कि नेपाल सभी के लिए ओपन है जी, तो थर्ड कंट्री से, मूलतः चाइना से, कुछ सामान जो हम पहले भारत से ले जाते थे सस्ते दर में, उस तरह के सामान, भले ही उसकी क्वालिटी और मैंने गुणवत्ता और उसका मैंने टिकाऊपना कम हो, लेकिन क्या है कि सस्ते दरों में उधर से आपको गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान,
इस तरह के कुछ चीज़ जो है, इवन कि आपको मूर्ति, खिलौना, डॉल्स जैसे चीज़ भी और वहाँ से सस्ते में मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि व्यापार थोड़ा सा उधर से भी बढ़ा है। और दूसरी बात कि सीमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होने वाले रॉड, इसका जो है पहले हम ऑलरेडी मतलब बना बनाया सामान ले जाते थे भारत से, अभी नेपाल में उसके प्रोडक्शन बढ़ी है, खास करके सीमेंट में आपको नेपाल में ऑलरेडी खानी वगैरह ये हुआ है। और पिछले एक दशक में, खास करके पिछले 3-4 वर्षों में हमारे पास 45 ब्रांड का सीमेंट अपना उत्पादन है। ओके। और इससे क्या हुआ कि हम करीब करीब जो है सीमेंट को काफ़ी हद तक जो भारत से ले जाते थे उसको रिप्लेस किया है, बाद में क्लिंकर ले जाकर के वहाँ पे सीमेंट बनाते थे। अच्छा। अभी क्या हुआ है कि वहाँ क्लिंकर भी प्रोड्यूस करने वाली कंपनियाँ 2-3 बड़ी कंपनियाँ आई है, हालांकि एक दो में भारतीय लगानी भी है, लेकिन समग्र में क्या है कि वो भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि काफ़ी ह्यूज अमाउंट था उसका, वो भी जो है सो कम हुआ है। और कुछ चीज़ जो नेपाल में ऑलरेडी, जैसे आपको पेय पदार्थ हम यहाँ से ले जाते थे, अभी वहाँ पे भारतीय लगानी से भी जो डाबर इत्यादि ने जो लगाया था उसने कुछ चीज़ बढ़ाया वहीं पे प्रोडक्शन, तो वो चीज़ हम जो है सो वहाँ से बरू भारत आ रहा है, लेकिन भारत से वहाँ कम ही जा रहा होगा जो चीज़ कम्प्लीटली नहीं बनता है। जैसे कोक डाइट है उदाहरण के लिए, कोक कंपनी भी वहाँ पे है, हालांकि भारतीय नहीं है, फिर भी कोक भी है, तो कोक जो है सो डाइट कोक भारत से ले जाती है, लेकिन बाकी कोक वहाँ से ही प्रोड्यूस करते हैं। तो कई चीज़ क्या था कि पहले कुछ आइटम्स, अब एक एक चीज़ का तो एक एक पैसे पैसे मिलाकर तो रुपया बनता है, तो इस हिसाब से क्या है कि कई चीज़ वहाँ पे हुआ है, इसलिए वो यदि कम ग्रोथ हो रहा है यहाँ से जाने का तो ये इसका कारण यही होगा। लेकिन नेपाल से जितना हम यहाँ मतलब भेज सकते थे उतना नहीं भेज पा रहे हैं, तो अब नेपाल के पास जो चीज़ है वो भेजना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और पिछले 16-17 महीने से जो अभी की सरकार है, डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के नेतृत्व की सरकार नेपाल में, उसने एक चीज़ हमने फोकस किया है कि भारत के साथ हम ये सरकार बनने के बाद, बाबूराम जी प्रधानमंत्री और मैं उद्योग मंत्री बनने के बाद 2 महीने के बाद भारत हम लोग आए थे, और भारत के साथ जो द्विपक्षीय व्यापार संबंधी जो हमारा बीपा बायलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन जो एग्रीमेंट था वो लंबित था 12 वर्षों से, तो हमने उसको किया, हालांकि उसमें थोड़ा सा नेपाल में जाकर के कोर्ट में किसी ने लेकिन ये क्यों हुआ, इसका ये क्या लॉजिक है, कोर्ट ने इस पे रोक क्यों लगा रखी है? कोर्ट ने मूलतः कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का लिटिगेशन जब कोर्ट में जाएगा तो स्वाभाविक रूप से कहीं का कोर्ट होगा तो क्या करेगी कि वो स्वाभाविक रूप से उसको देखना है, तो उसने सिर्फ इंटरिम ऑर्डर जारी किया है, निर्देश दिया है, उसका ये भी मतलब नहीं कि वो अब बंद कर दिया या सदा के लिए खोल दिया। उसने ये भी कहा था कि आइदर आप इसको अपने पार्लियामेंट में ले जा करके इसको रेक्टिफाई करिए, अच्छा, या कोर्ट का अंतिम आदेश तक आप वेट करिए, तो हमारी पार्लियामेंट उसको हम ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच में पार्लियामेंट डिजॉल्व हो गई और पार्लियामेंट नहीं है हमारे पास, तो एक ही रास्ता है कि अब कोर्ट को देख वेट किया जाए, तो हम कोर्ट को वेट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं कि किसी कोर्ट को उसको रोकना चाहिए अंतिम तक, ऐसा सरकार को लगता है, मुझे लगता है, मैंने ही हस्ताक्षर किया था तो मुझे लगता है, तो इसलिए कोर्ट के फैसला नहीं आने तक तो उसके बारे में कमेंट तो उचित नहीं है, लेकिन हो जाएगा ऐसा हमें भरोसा है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जी, उसकी क्या स्थिति है अभी? हाँ, तो वो तो ऑलरेडी मैंने लागू कर दिया गया है, क्योंकि उस पर कोई पब्लिक लिटिगेशन कोर्ट में किसी ने दायर नहीं किया और वो ऑलरेडी ऑपरेशन में है, तो उसको हम, वो भी इसी सरकार के समय में, हमारे अभी भारत के महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब जब वहाँ वित्त मंत्री थे उस टाइम नेपाल के वित्त मंत्री के साथ काठमांडू जाकर के किया गया था, वो भी इसी सरकार के समय में हुई। तो ये 2 अचीवमेंट व्यवसाय, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में, लगानी के क्षेत्र में नेपाल और भारत के बीच में बहुत ही माइलस्टोन काम इस गवर्नमेंट के समय में हुआ, और मैं आगे जो आपको बता रहा था कि वो इसलिए हमने ये सोचा, हमारी सरकार, नेपाल सरकार अभी की ये सोची कि हम भारत के साथ व्यापार घाटा कैसे कम कर सकते हैं, जिसका सबसे रामबाण अस्त्र है कि हम जल संपदाओं का, जो नेपाल में जल संसाधन की प्रचुरता है 40,000 मेगावाट, तो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट हो सकता है 40,000 मेगावाट हाइड्रो पावर के काफ़ी प्रोजेक्ट आ भी रहे हैं 28 जी, तो अभी हमने काफ़ी भारत के साथ भी और बाकी देशों के साथ भी किया है, लेकिन भारत के साथ भी कई नए प्रोजेक्ट्स साइन हुए हैं, और हमें विश्वास है कि यदि वो ऑपरेशन में आएगा तो नेपाल का व्यापार घाटा जो भारत के साथ है वो कम भी होगा, और भारत में जो एक जल विद्युत, वैसे तो और भी उपाय है बिजली आपको निकालने के, लेकिन जल का बहुमुखी
दोहन के लिए, एक तो हाइड्रो पावर है जो भारत के सहयोग से बन रहा है वहाँ, और उससे नेपाल का व्यापार घाटा भी होगा कम, और साथ साथ जल का जो बाकी उपयोग है, बहुमुखी उपयोग हम कहते हैं उसको, तो बाकी उपयोग के लिए भी नेपाल और भारत को एक साथ मिल करके जाने में सुविधा होगी। बिफोर गोइंग फर्दर, इट्स टाइम टू वॉच अ स्पेशल रिपोर्ट ऑन बायलेटरल ट्रेड ऑफ इंडिया एंड नेपाल। India is Nepal's largest trade partner and source of foreign investment. India is also the only transit providing country for Nepal, and the transit for trade is routed through 22 designated routes from India-Nepal border to the port of Kolkata, Haldia. In addition, Nepal's trade with and through Bangladesh also transits through India. Government of India is providing assistance to Nepal for development of cross-border trade-related infrastructure. It includes upgradation of 4 major custom checkpoints to international standards, upgrading approach highways to the border of the Indian side, upgrading and expanding the road network in the Tarai region of Nepal, and broad-gauging and extending rail links to Nepal. An intergovernmental committee on trade headed by commerce secretaries meets regularly to consider policy, regulatory and infrastructure issues in India-Nepal trade. अभी जब जल संसाधन को यूज़ करने की जब बात होती है, एक बहुत ही मेजर इशू है, जब भी बारिश का मौसम होता है तो काफ़ी पानी छोड़ा जाता है नेपाल की तरफ से। उसके कारण उत्तर बिहार, कोसी नदी जो है उत्तर बिहार की, वो बिल्कुल एक प्रलय समझ जाता है पूरे कोसी एरिया में। तो इसके लिए क्या भारत और नेपाल में जल के लिए, जो जल जीवन है, लेकिन वो जल उस समय बारिश के समय में खासकर कोसी एक प्रलय लेकर आती है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसका क्या उपाय हो सकता है? 3-4 वर्ष पहले बिहार के राजधानी पटना में एक सेमिनार में था कि इंडो नेपाल रिलेशन पर और उसके कैसे डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाए मिल करके, इस पर एक सेमिनार किया गया था। तो उस सेमिनार में वहाँ के मुख्यमंत्री, उस समय भी मुख्यमंत्री थे माननीय नीतीश कुमार जी, उसका उद्घाटन किए थे। और उसी सेमिनार में मैंने कहा था उस नदियों के संदर्भ में और बाढ़ के संबंध में, माननीय नीतीश जी ने वहाँ पे कहा था कि नेपाल से हम दो चीज़, हमें ज़्यादा नेपाल के बारे में सरोकार होता है, एक कि बारिश के महीने में जब बाढ़ आती है तो हमारी जनता जो है जो जिस तरह से दुख पाती है, तो उसको हम याद, मैंने बड़ा ही मतलब अन्यथा तरह से लगता है, और दूसरा कि हमारा जो संबंध है वो बहुत ही अच्छा है। तो उसके, और मैंने उस पर कहा था कि आपके लिए सिर्फ नहीं, वो पूरे नेपाल के लिए और भारत के जो उत्तर बिहार है उसके लिए, गंगा से उत्तर का बिहार और यूपी, उसके लिए काफ़ी वो एक पीड़ादायी विषय है। हम लोग जो बागमती किनार के रहने वाले हैं उनके लिए तो ये प्रत्यक्ष पीड़ा है और या खुशी भी है। तो इसलिए क्या है कि उसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, और इसको नेपाल और भारत को मिलकर ही रेगुलेट करना है। नेपाल के पास अभी के संदर्भ में, भविष्य में होगा, हम प्रयास कर रहे हैं कि नेपाल को हम बहुत समृद्ध बनाएं, उसके लिए जो सब कुछ हम ठीक करें, लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय ये संभव नहीं कि नेपाल अकेले नेपाल के सभी नदियों को रेगुलेट करे। तो इसके लिए नेपाल और भारत को मिल करके नदियों का दोहन करना, उस जल संसाधन का जो आपने कहा कि वो प्रलय नहीं, वो एक जो है सो जल जीवन के रूप में, विनाशक नहीं बल्कि वो जीवन का पालक और रूप में मतलब कि साबित हो, इसके लिए हमें काम करना होगा। नदी सभ्यताओं के लिए भी जरूरी था, हमारा मानव सभ्यता का शुरुआत भी नदियों के किनारे से हुआ, लेकिन वो कभी कभी विनाशक के रूप में आती है, तो उसको हमें रेगुलेट करना होगा, ठीक ढंग से ले चलना होगा। और नेपाल की ओर से हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, ये सरकार प्रयत्न कर रही है कि जो पीड़ा है, चाहे वो भारत के जनता की हो या नेपाल की जनता की हो, हम मानवता से ऊपर मैंने नीचे जाकर के बात करें तब तो कुछ नहीं है, यदि मानवता की बात करें तो चाहे भारतीय हो या नेपाली हो या कहीं तीसरे देश के कोई नागरिक हो, हम सभी के प्रति हमारी जिम्मेवारी है, और स्वाभाविक रूप से भारत बिहार यूपी जो हमारा बॉर्डरिंग जगह है, तो उसकी तो कुछ फर्क ही नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए हमें उस पर मिलजुल करके काम करना हो। जी, बिफोर गोइंग फर्दर, इट्स टाइम टू गो फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, प्लीज स्टे ट्यून्ड। अब नेपाल के इंडस्ट्रियलिस्ट, नेपाल का पैसा वो FDI नहीं कर सकता बाहर। जब इंडस्ट्री मिनिस्टर हुआ तो मैंने इसको फील किया, मैंने उसके लिए वातावरण बनाना भी प्रयत्न किया। भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट नेपाल आए, वहाँ नया उद्योग लगाए, क्या कोई टैक्स रिबेट, कोई स्पेशल कंसेशन, कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो आप अभी तक आप नहीं बना पाए हैं,
ऐसा कुछ सोच रहे हैं क्या? कैबिनेट कमेटी उसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन संबंधी एक विकास समिति का गठन आदेश हमने कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया। वेलकम बैक। वी आर इन टॉक्स विद श्री अनिल कुमार झा, इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ नेपाल। झा जी, जी बायलेटरल ट्रेड पे फिर बात करूँगा। टोटल जो ट्रेड है नेपाल की ग्लोबली वो लगभग 28,000 करोड़ के आसपास है। उस 28,000 करोड़ में भारत और नेपाल का ट्रेड करीब करीब 22,000 करोड़ इंडियन रुपी के हिसाब से है। तो बाकी देशों से जो आपका बायलेटरल ट्रेड है वो काफ़ी कम है, सिर्फ 6,000 करोड़ रुपया के आसपास। वो और बढ़े, जैसे आपने अभी बताया कि चाइना के साथ आपका बायलेटरल ट्रेड थोड़ा बढ़ रहा है, उस पर थोड़ा बताएंगे कि किस क्षेत्रों में चाइना के साथ आपका ट्रेड बढ़ रहा है? ऑफ कोर्स चाइना ने मूलतः अभी हाइड्रो पावर और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें सर्विस इंडस्ट्री में भी लगानी वो लोग कुछ कर रहे हैं। इधर आकर के थोड़ा मैसिव लगानी की ओर वो लोग आकर्षित हुए हैं। और बाकी देशों का संदर्भ जैसे कुछ यूरोपियन देश भी टूरिज्म, हाइड्रो पावर और इसमें दो सेक्टर में मूलतः वो लोग लगानी कर रहे हैं। बांग्लादेश का कुछ मेडिसिन और कुछ एग्रो वेस्ट, इसमें चूंकि बांग्लादेश को नेपाल से कुछ एग्रो वेस्ट चीज़ ले जाना पड़ता है तो इस हिसाब से वो लोग लगानी थोड़ी सी किए हैं। बाकी जो लगानी है वो छोटे छोटे चीज़ों में ज़्यादा है। तो इसीलिए 22,000 करोड़ भारत से और बाकी 6,000 करोड़ में पूरी दुनिया होने का जो मूल कारण है वो उसका यही है। अब आजकल हम जब जिस सरकार में हम लोग हैं, डॉक्टर बाबूराम भट्टराई जी के नेतृत्व की सरकार है, तो ये सरकार बाकी देशों के साथ भी व्यवसाय बढ़े इस पर काम तो कर रही है, लेकिन वो इसलिए उतना फिजिबल और वायबल नहीं है क्योंकि भारत में जो कुछ भी नेपाल के बाद भारत में चीप लेबर है और देशों के तुलना में, बिल्कुल ऑफ कोर्स चाइना में थोड़ा सा ज़्यादा ही है तो वहाँ से व्यापार तो बढ़ ही रही है। बाकी देशों का लेबर या जो लाने में जो खर्चा है वो भारत के होकर के ही जाना है, कलकत्ता या किसी और बंदरगाह को थोड़ा बहुत प्रयोग किया जाता है। तो अल्टीमेट क्या होता है कि यदि वहाँ पर वो सामान सस्ती भी है तो नेपाल आते आते उसको भारत के मार्केट से महंगा होना ही है, तो इसीलिए उसकी फिजिबिलिटी हम लोग कम ही देखते हैं। अब जो चीज़ भारत में भी नहीं हो, नेपाल में भी नहीं है, वो चीज़ तीसरे जगह से लाना संभव है। थोड़े से चीज़ है जो चाइना से लोग ला रहे हैं तो बाकी तीसरे देश के मार्केट से वही चीज़ ला पाते हैं लोग, जो चीज़ भारत के मार्केट में या चाइना के मार्केट में नहीं है। और ऐसे भी नेचुरली ऐसा होता है, मुझे लगता है दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों में जो चीज़ है वही उनके लिए चीपर देन मतलब किसी थर्ड कंट्री से हो पाता है। तो नेपाल के संदर्भ में भी ये कोई आश्चर्यजनक तो ऐसे मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन नेपाल बरुद तीसरे देशों में, पहले क्या था कि नेपाल का लेबर जो है वो सिर्फ पंजाब या हरियाणा या दिल्ली, बॉम्बे, भारतीय शहरों में जाकर के या देहातों में जाकर के भी काम करके गुजारा करते थे, लेकिन अभी क्या हुआ है कि आपको मिडिल ईस्ट और ईस्ट में ज़्यादा लोग जा रहे हैं, खासकर मलेशिया और इधर आकर के आपको अरब के खाड़ी देशों में ज़्यादा जो सेमी स्किल्ड या नॉन स्किल्ड लेबर्स हैं वो उधर भी डाइवर्ट हुए हैं, तो वहाँ से आमदनी नेपाल को रेमिटेंस और ये मिल रहा है। लेकिन नेपाल से में और चीज़ उधर से आने का बहुत कुछ नहीं है, थोड़ा सा चीज़ है जो पाकिस्तान से या बाकी दुनिया के अन्य देशों से हम मंगा रहे हैं। तो इस तरह से जो है थोड़ा सा अफगानिस्तान से कुछ चीज़ आ रहा होगा, वहाँ थोड़ा सी चीज़ जा रहा है नेपाल। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो एक बड़ा यूनिक सा केस है नेपाल कि वहाँ आप एक इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं जी, वहाँ के लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट अगर अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाना चाहें तो उसके लिए FDI अलाउड होना चाहिए। अब नेपाल के इंडस्ट्रियलिस्ट, नेपाल का पैसा, अब उसको आप रिस्ट्रिक्टेड आपने करा हुआ है कि वो FDI नहीं कर सकता बाहर, तो
ये क्यों है इस, और इस पर आप क्यों नहीं थोड़ा ध्यान दे रहे हैं? अब एक्चुअली आप जो बात उठाए, ये मैं जब इंडस्ट्री मिनिस्टर हुआ तो मैंने इसको फील किया इमीडिएट, और इमीडिएट फील करने के बाद मैंने उसके लिए वातावरण बनाना भी प्रयत्न किया और एक बिजनेस रिलेटेड दैनिक पत्रिका में इंटरव्यू देकर के भी कहा कि नेपाल को भी नेपाली जो इन्वेस्टर्स हैं उनको दुनिया के अन्य देशों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमको अलाउ करना चाहिए, और उसके लिए हमने लॉबिंग भी शुरू किया, प्रयत्न भी किया, लेकिन अब इसको बैड लक कहें कि तब तक में संविधान सभा जो संसद का भी काम करती थी वो डिजॉल्व हो गया। अदरवाइज मेरा ये प्लानिंग था कि कुछ चीज़ देख, एक देश का दो चार प्रोडक्ट ही यदि दुनिया में बिकाऊ है और उसको यदि दुनिया के अन्य देशों में ले जा करके वहीं पे फैक्ट्री लगा, अगर कोई यूएसपी है उस प्रोडक्ट का तो वो बिल्कुल उसको आगे बढ़ाया जाए तो काफ़ी उसे बेनिफिट भी हो सकती है। जिस समय में इसको रोका गया होगा, मुझे क्या लगता है कि नेपाल इंडस्ट्री और अपना जो है सो बेसिक जो कोई चीज़ वहीं का ओरिजिन हो, ऐसा चीज़ शायद नहीं ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि नेपाल एग्रो वेस्ट फॉरेस्ट वेस्ट देश थी 50 बरस पहले की बात करें, 100 बरस पहले की बात करें तो क्या है कि लोग उतना उस पर ध्यान नहीं दे पाए शायद, और नेपाली इन्वेस्टमेंट बाहर जा करके शायद वापस नहीं आए या कोई मतलब असुरक्षा महसूस हुआ होगा। लेकिन आज तो पूरी दुनिया में पर्याप्त संयंत्र है कि आप किसी चीज़ को भी पल पल काउंट कर सकते हैं, तो आज हम इन्वेस्टमेंट को खोल सकते हैं मुझे लगता है, और इसके लिए नेपाल के अंदर में लविंग हो रहा है। मैं एक लिबरल डेमोक्रेट और विश्व बाजार को मान्यता देने वाला व्यक्ति होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि प्रतिस्पर्धा का जमाना है, तो नेपाली उद्योगी यदि प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, नेपाली कोई प्रोडक्ट यदि दुनिया से इसमें प्रतिस्पर्धा ले सकती है तो हमें उसको मार्केट में ओपन करना चाहिए, खुला छोड़ना चाहिए। और इसके लिए जब चर्चाएं शुरू हुई है तो मुझे विश्वास है कि जब नेपाल में संसद आगे होगी तो उस वक्त इस पे जरूर विचार किया जाएगा और कहीं ना कहीं इसका कोई